आज हम लोग क्या देखेंगे कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन क्या होता है पावर सिस्टम में, ठीक है। व्हाट इज इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन इन पावर सिस्टम? तो देखो, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपका? इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन पावर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू अरेंज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन लेवल ऑफ अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट इन अ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल मतलब इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कि जो आपके इंसुलेशन जैसे आपके जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक मतलब आपके पावर सिस्टम में कोई भी चीज़ होती है उसमें क्या होता है? इंसुलेशन होता है, राइट। कि वो कोई भी अगर कोई किसी भी कंडीशन में कोई ओवर वोल्टेजेस वगैरह है तो उसे वो झेल सके, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज रेटिंग होती है ना आपकी किसी भी चीज़ की, जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? आपकी इंसुलेशन, राइट। आप इंसुलेशन बढ़ाओगे तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी चीज का इंसुलेशन मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मतलब डिसाइड करने के लिए किस चीज के लिए कितना इंसुलेशन चाहिए, किस लेवल का इंसुलेशन चाहिए, हम क्या यूज करते हैं? आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है ये आपको, ये क्या होता है कि अरेंज करता है आपके मतलब क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं? अरेंज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन लेवल ऑफ अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट इन पावर सिस्टम, लाइक आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क हुआ, ठीक है, ये सब में भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी मान लो ओवर वोल्टेजेस आते हैं आपके पावर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में तो क्या होता है? देयर मे बी चांस ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेशन, राइट। क्या होता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाए तो क्या होगा? आपका इंसुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक आपके वोल्टेज को क्या कर सकता है? बेयर कर सकता है, झेल सकता है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा ओवर वोल्टेजेस हो जाएगा तो क्या होगा? चांस होता है आपका जो इंसुलेशन है सिस्टम का वो क्या हो सके? फेल हो सके, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेशन क्या होता है? हाई होता है जहां पे आपका इंसुलेशन क्या है? वीक है, ठीक है। आपके सोर्स के अगर नियर कोई ओवर वोल्टेज आता है तो वहां पे अगर कोई भी वीक आपका इंसुलेशन है तो क्या होगा? वहां पे हाई चांसेस हैं आपके इंसुलेशन फेलियर के, राइट, समझ गए। तो क्या होता है कि जो आपका पावर सिस्टम होता है या फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है तो वो वहां पे जो इंसुलेशन प्रोवाइड होता है वो क्या होता है? सारे इक्विपमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स पे प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो कि अगर कोई कोई भी अगर फॉल्ट आता है आपके सोर्स मतलब आपके आपका जो सोर्स है ओवर वोल्टेज का, उसके नियर में अगर कोई भी वीकेस्ट इंसुलेशन है तो क्या होगा? वो आपका फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम करने के लिए मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, कि कहां पे कितनी इंसुलेशन की जरूरत है हमें। तो देखो, जो इंसुलेटर्स होते हैं ना आपके मान लो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपके इंसुलेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कहीं किसी जगह पे काफी इजीली वो रिपेयर हो सकता है या फिर रिप्लेस हो सकता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट पे क्या होता है, जो इंसुलेशंस होते हैं सम पॉइंट्स किसी पॉइंट्स पे वहां पे क्या होता है, वो इजीली रिपेयर नहीं कर सकते या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर उनकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। या फिर वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड अ लॉन्ग इंटरप्शन ऑफ पावर, हमें क्या करना पड़ेगा, काफी लंबे समय तक आपके पावर को कट करके फिर उसे रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है कि ऐसे फेलियर को ना मतलब बहुत जो आपके बहुत ज्यादा आपके मान लो कि जैसे बहुत ज्यादा इंसुलेशन फेलियर हो गया तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि उस चीज को आपको सर्विस से निकाल देना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा हम इंसुलेशन फेलियर ना झेल नहीं पाता है हमारा सिस्टम, ठीक है। तो क्या मतलब अगर मान लो कि बहुत ज्यादा फेलियर आ गया तो आपका इंसुलेशन जल गया तो उसके कारण क्या करना पड़ रहा है, आपके सिस्टम को शट करना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा जो शट डाउन है, मान लो ऐसा तो नहीं है ना पावर सिस्टम को ऑफ ऑन हम कर सकते जब मन चाहे तब, तो इतना हम ऑफ ऑन नहीं कर सकते। तो ये जो आपका मतलब फेलियर है जो इंसुलेटर का इस पॉइंट्स पे, वो क्या होता है, अपना जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है वो झेल नहीं पाता है, ठीक है। इतना हम नहीं कर सकते कि जब मन करे पावर ऑफ करके इंसुलेशन को हम अब ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है, तो हम क्या चाहते हैं, क्या कैसी कंडीशन हो, क्या डिजायरेबल सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन हो कि अगर इंसुलेशन फेलियर भी होता है तो हम उसे क्या कर सके, इजिली रिपेयर कर सके या फिर उसे रिप्लेस कर सके, ठीक है,
तो हमारा ये मेन मेन क्या होता है डिजायर्ड मतलब चीज होती है कि हम वो इंसुलेशन को अगर हमें चेंज करना है या फिर उसे रिप्लेस करना है तो हमें अपने पावर को कट ना करना पड़े, ठीक है, या फिर हमारे सिस्टम को शट ना करना पड़े, उसके कारण हमारा जो सिस्टम है वो आउट ऑफ सर्विस ना हो, ठीक है। तो देखो ओवरऑल जो एम होता है अपना इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का वो क्या होता है आपका, टू रिड्यूस, इसका एम क्या होता है, टू रिड्यूस द इकोनॉमिकली राइट ऑपरेशनली एक्सेप्टेबल लेवल एंड द कॉस्ट डिस्टर्बेंस कॉज बाय इंसुलेशन फेलियर, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है कि आपका क्या हो, इकोनॉमिकल हो, कि हम क्या करेंगे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन क्या करेंगे कि मतलब हम देखेंगे कि इंसुलेशन किस लेवल का किस जगह पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे चांसेस जलने के ज्यादा हैं, मतलब आपके इंसुलेशन खराब होने के ज्यादा है, तो हम किससे डिसाइड करते हैं, आपके इंसुलेशन लेवल से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या है कि इकोनॉमिकली क्या करें आपका रिड्यूस, हम तो चाहते हैं ना कि हमारा मेन डिजायर क्या होता है, कोई भी चीज हम बनाते हैं तो क्या उसका कॉस्ट कम हो, कम से कम कॉस्ट हो, राइट। तो मेन आपका क्या होता है, इसका एम क्या होता है कि किसी चीज को इकोनॉमिकली वो क्या करे, रिड्यूस करे, राइट, ठीक है। तो उसमें जो भी कॉस्ट लग रहा है वो क्या हो, एक्सेप्टेबल लेवल पे हो कि हम उतना उस कॉस्ट को हम क्या कर सके, दे सके, पे कर सके, ठीक है। तो आपका मेन ये होता है, एम होता है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो देखो हमें कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे जो आपके इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन में यूज होते हैं, ठीक है। फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड द सम बेसिक टर्मोलॉजी, ठीक है। देखो सब फर्स्ट क्या है आपका, नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज। क्यों, इस चीज को क्यों जानना होगा, सबसे पहले तो हमें इस चीज का मतलब हमें ये चीज जानना होगा कि अपना जो इंसुलेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपना नॉर्मली जो सिस्टम का वोल्टेज होगा वो उससे पहले बेयर कर सके, राइट। उसके बाद तो ओवर वोल्टेजेस वगैरह के लिए हम डिजाइन करेंगे, पहले तो खुद की जो नॉर्मल वोल्टेज, नॉमिनल जो वोल्टेज उसमें से फ्लो हो रहा है वोल्टेज है उसको वो क्या कर सके, बेयर कर सके, ठीक है। देखो नॉमिनल वोल्टेज ऑफ सिस्टम क्या होता है, नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज क्या होता है आपका, नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज क्या है, इट इज अ फेज टू फेज वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जिसके लिए सिस्टम आपका नॉर्मली डिजाइन होता है। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज इज अ फेज टू फेज वोल्टेज ऑफ अ सिस्टम फॉर विच द सिस्टम इज नॉर्मली डिजाइन, ठीक है। ये कितना कितना वोल्टेज होता है, 11 kVA, राइट, 33 kVA, 132 kVA, 220 kVA एंड 400 kVA सिस्टम, ठीक है, समझ गए नॉमिनल वोल्टेज। अब देखो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सिस्टम क्या होता है, सेकंड क्या है आपका, देखो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ पावर सिस्टम विच कैन बी अकर मे फॉर द लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग अ नो लोड, ठीक है, या फिर लो लोड कंडीशन ऑफ पावर सिस्टम। क्या होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सिस्टम होता है जो कि क्या होता है आपके नो लोड के वक्त आ सकता है या फिर आपके लो लोड जब कंडीशन होगा, जब आपका लो लोड होगा कंडीशन तब ये आ सकता है, ठीक है। ये इसे भी हम किसमें मेजर करते हैं, फेज टू फेज में इसे हम मेजर करते हैं, समझ गए। तो अब देखो अब क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा, थर्ड टर्म, देखो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इंसुलेशन लेवल। इंसुलेशन लेवल क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी एबनॉर्मल मतलब ओवर वोल्टेज सिचुएशन से उन्हें क्या होता है, गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वो मतलब इंसुलेशन लेवल क्या होता है, उस हिसाब से उनका इंसुलेशन लेवल उन्हें प्रोवाइड किया। मान लो आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस है, उन्हें अलग उसका इंसुलेशन लेवल अलग होगा, आपके जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं उनका इंसुलेशन लेवल अलग होगा, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन से डिवाइस को किस सिचुएशंस, कितने सिचुएशंस आपको गुजरना पड़ेगा, मान लो कितने ओवर वोल्टेजेस या फिर आपके और भी चीजें हैं उससे मतलब गुजरना पड़ेगा, उसके डिपेंड उससे आपका क्या होता है, मतलब जो इंसुलेशन लेवल क्या होता है उससे डिटरमाइन होता है, ठीक है। समझ गए। अब देखो जो आपका ओवर वोल्टेजेस वगैरह किसके किसके कारण आ सकता है, आपके लाइटनिंग के कारण आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके स्विचिंग के कारण आ सकता है, ओवर वोल्टेजेस आ सकते हैं, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके जो आपका कन्वेंशनल मेथड है
आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का, तो उसमें क्या होता है, देखो कन्वेंशनल मेथड क्या आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का, ये ग्राफ है आपके वोल्टेज और टाइम के बीच में, तो आपका जो वोल्टेज होना चाहिए ये आपका बी जो है, आप बी देख रहे हो, ये बी और ए है, बी किसका है, बी आपका इंसुलेशन लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड, जिस आप इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसका क्या ये इंसुलेशन लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, मतलब कितने वोल्टेज तक आपका जो मतलब आपका जो इक्विपमेंट है उसका जो इक्विपमेंट का इंसुलेटर है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है वो कितने वोल्टेज तक झेल सकता है, ठीक है। और जो आपका जो प्रोटेक्टिव डिवाइस जो आपने प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाए हैं वो उसका ये प्रोटेक्टिव लेवल वोल्टेज है ऑफ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ए जो किसका है आपका प्रोटेक्टिव लेवल वोल्टेज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, और बी किसका है इंसुलेशन लेवल ऑफ इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, समझ गए यहां तक। अब देखो इसमें क्या होता है, आपका पावर सिस्टम क्या होता है कि पावर सिस्टम में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिएंट वोल्टेजेस वगैरह आते हैं, आपके स्विचिंग इम्पल्सेस आते हैं, राइट, या फिर लाइटनिंग के कारण क्या होता है आपका वोल्टेज बढ़ जाता है, तो क्या होता है इसमें, तो जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ओवर वोल्टेज आपके कंपोनेंट्स वगैरह तक आ सकते हैं वो क्या होता है, उसको कैसे लिमिट करते हैं, मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको वो उससे, मतलब मैं इसके आगे वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे वो किसके किसके थ्रू हम इसे लिमिट कर सकते हैं, आपके जो लाइटिंग अरेस्टर्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू क्या कर सकते हैं इसे लिमिट कर सकते हैं, अगर मान लो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कोई भी आपका ओवर वोल्टेजेस आ रहा है तो उसे किससे लिमिट करेंगे आप, ये लाइटनिंग अरेस्टर से, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर हम क्या करते हैं कि जो इंसुलेशन लेवल है अपने पावर सिस्टम के कंपोनेंट्स का जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, मान लो कोई बहुत सारे पावर सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट्स है तो हमें क्या करना है उसे प्रोटेक्ट करना है, तो अगर मतलब आइडियली क्या माना जाता है कि इफ वी मेंटेन द इंसुलेशन लेवल ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ पावर सिस्टम अबव द प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमारा कोई भी मतलब पावर सिस्टम का कंपोनेंट है, अगर हम उसके इंसुलेशन लेवल को जो आपके जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आपने लगाई लाइटनिंग अरेस्टर्स वगैरह लगाए हैं जो आपने लगाया है अगर उससे हम हाई रखते हैं तो क्या होता है, देयर इज नो चांस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, आइडियली क्या होता है कोई चांसेस नहीं होता कि आपका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सके, ठीक है, समझ गए। देखो क्योंकि जो अपना मान लो कि हमने कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वगैरह लगा रखे हैं तो क्या होगा कि कोई भी ओवर वोल्टेजेस आएगा तो वो पहले क्या होगी कि आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस तक पहुंचेगा, राइट, तो प्रोटेक्टिव डिवाइस आपका क्या करता है उसे डिस्चार्ज कर देता है ग्राउंड के थ्रू, इन केस अगर कोई मान लो कि वो डिस्चार्ज नहीं कर पाता है तो क्या होगा वो उसके इंसुलेशन को ब्रेक करके आपके कॉम्पोनेंट तक पहुंचेगा, लेकिन क्या होगा आपने जो कंपोनेंट का इंसुलेशन लेवल है आपने क्या किया था प्रोटेक्टिव डिवाइस के इंसुलेशन लेवल से हाई रखा था, तो क्या होता है कम चांसेस होते हैं कि आपके वो प्रोटेक्टिव मतलब आपके जो प्रोटेक्ट जिस कंपोनेंट को क्या कंपोनेंट के इंसुलेशन को वो हार्म कर सके, ठीक है, तो उतना ओवर वोल्टेज क्या होता है आपका कॉम्पोनेंट बेयर कर पाता है, ठीक है। तो आइडियली हम क्या करते हैं, आइडियली माना जाता है कि अगर आप अपने जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है उसका इंसुलेशन लेवल अगर आप आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस जो होते हैं उनके प्रोटेक्टिव लेवल वोल्टेज से ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कम चांस आपके चांसेस होते हैं कि वो आपका इंसुलेशन फेलियर हो सके, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कन्वेंशनल मेथड है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का, ठीक है।